तो अब हम मीडिया की जर्नी, शाहिना जी की जर्नी और मीडिया की जर्नी, इन दोनों बातों पे अब हम कुछ उनसे गुफ्तगू करेंगे, कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो शाहिना जी, आपका 40 साल का जो इतना लंबा सफर रहा है मीडिया के साथ, मीडिया के अलग-अलग पहलुओं के साथ, और आपने उसमें बहुत जगह पे सोसाइटी में भी बहुत सोशल कॉजेस के लिए, जैसे कि हमने बात की, आपने बहुत काम भी किया है। सो इन दिस लॉन्ग जर्नी, व्हाट इज द वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट्स योर टेक एज अ मास कम्युनिकेशन ट्रेनर, एंड व्हाट वुड दैट बी एज अ ट्रेनर? आपका जो एक टेक है वो क्या है? इफ आई हरीश, इफ आई से माई वन टेक एज अ ट्रेनर एंड अ पर्सन इन मास कम्युनिकेशन, एंड एज आई जी सेड आई एम स्टिल वर्किंग एंड आई एम स्टिल लर्निंग, बट माई वन टेक इज दैट वी थ्रू द पावर ऑफ मीडिया, थ्रू द पावर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, कैन रीच एंड इन्फ्लुएंस आर टारगेट ऑडियंस, आर लिसनर्स, आर व्यूअर्स. सो द One thing that I want to say is target is very important. A lot जी of broadcasters, better than me, there are so many good broadcasters, forget about it sometimes. Because जी the best thing is that you give the person what they want. So you have to first understand what the target needs. And because media is so powerful, we can influence. So we have to use this influence very meticulously, वेरी जुडिशियसली. और मैं ये समझती हूँ, आपका शो क्योंकि बाइलिंगुअल है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सिर्फ सिर्फ मीडिया ही नहीं, आम जिंदगी में भी अगर हम सामने वाले को, दूसरे इंसान को ये देख के, उसके सेंटिमेंट्स, उसकी जरूरतों को देख के अगर आगे चलेंगे तो हम बहुत जी कामयाब रह सकते हैं. मेरी जिंदगी में यही एक टेक है और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने टारगेट या अपने आसपास के लोगों को या सोसाइटी में जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, उन उन मैं जी उनकी नब्ज को देख के चलूं कि वो मुझसे क्या चाहते हैं, तो वही जिंदगी की एक सफलता मिल सकती है, मुझे ऐसा लगता है. क्या बात है, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। तो सिर्फ नॉट ओनली एज अ मास कम्युनिकेशन ट्रेनर या मीडिया ट्रेनर, एक आम इंसान का भी पहलू आपने बता दिया है कि जो शख्स आपसे उम्मीद करता है या चाहता है या जो उसे राइटफुली मिलना चाहिए जी, एक इंसान से, फिर उस इंसान का चाहे कोई भी पोजीशन क्यों ना हो या कोई भी उससे उसका फर्क रोल नहीं क्यों ना हो। पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जी लेकिन आप जो एक इंसानी हमदर्दी है, इंसान दूसरे को आपसे क्या चाहिए, क्योंकि अगर मैं और अहम में अगर आप पड़े रहेंगे तो वो एक जी अच्छी जिंदगी मेरे हिसाब से नहीं है, मैं ऐसा समझती हूँ और ऐसी ही जिंदगी जीती हूँ. बहुत सही फरमाया, बहुत खूबसूरत आपने ये जवाब दिया, बहुत ही उम्दा ये जवाब दिया। और मैं जानता हूं आप बहुत ही उम्दा लेखिका भी हैं, बहुत ही कमाल की आप राइटर हैं, क्योंकि मैंने शाहिना जी की किताब, इट वॉज माई माई प्लेजर की मुझे वो किताब मिली, माई बुक है, और उसे मैंने पढ़ा। तो हम आपसे बहुत कुछ आज सुनना चाहेंगे और 3 जबानों में सुनना चाहेंगे, हिंदी में, बेहद शुक्रिया हरीश अंग्रेजी जी. और उर्दू में। मैं तो जरूर जरूर मैं अपने हर एक सवाल के बाद, शाहिना जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप कुछ अपनी, जो भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें हमारे साथ जरूर शेयर करें। और विनय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार दोस्तों फिर से बता दूं, आज हम रूबरू हैं शाहिना खान जी के साथ, जो कि प्रोफेसर हैं एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, और 40 सालों का तजर्बा है उनके पास मीडिया के साथ जुड़े रहने का, मीडिया वालों को ट्रेन करने का, और मीडिया की ग्रोथ को उन्होंने पिछले 4 दशकों से देखा है। तो शहना जी, अब हम आपसे कुछ सुनना चाहें। जी हरीश. आपने ये जिक्र कर ही दिया कि मैं कोशिश करती हूँ लिखने की 3 जबानों में, तो एक गजल मैं पहले सुनाना चाहती हूँ आपको और आपके सभी सुनने वालों को, और ड्रीम्स ईशान क्या रेडियो बात, के माध्यम से. तो मुलाहिजा फरमाइए. ईशान सुनाइए दोस्त बस। बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, तुमने देखे हैं कभी साथ निभाने वाले, बात तुमने देखे हैं कभी साथ निभाने वाले. और अगला शेर है जी, कि हाथ जो आस का था पास नहीं रखा उसका, हाथ जो आस का था पास नहीं रखा उसका, इस जमाने में कहाँ हाथ मिलाने वाले, इस क्या जमाने बात, में कहाँ हाथ मिलाने वाले. और अगला वाह शेर मुलाहिजा फरमाइए कि मैंने जी, चाहा था तुम्हें,
मैंने चाहा था तुम्हें, इल्म नहीं था लेकिन, मैंने चाहा था तुम्हें, इल्म नहीं था लेकिन, मेरे पैगाम पे हो तुम नहीं आने वाले। बहुत शुक्रिया कि मैंने चाहा था तुम्हें, इल्म नहीं था लेकिन, मेरे पैगाम पे हो तुम नहीं आने वाले। और अगला शेर है कि हाल बेहाल आंख पूर्णम परेशान गेसु, हाल बेहाल आंख पूर्णम परेशान गेसु, तुमने देखा ही नहीं ऐ छोड़ के जाने वाले। क्या तुमने बात देखा है, ही क्या नहीं ऐ छोड़ के जाने वाले। बहुत बेहद शुक्रिया कि हाल बेहाल आंख पूर्णम परेशान गेसु, तुमने देखा ही नहीं ऐ छोड़ के जाने वाले। और अगला है कि जो बुलाओगे तो आ जाएंगे फौरन यकदम, जो बुलाओगे तो आ जाएंगे फौरन यकदम, फकत आवाज तो दो ऐ दूर चले जाने वाले। क्या बात है शुक्रिया। फकत आवाज तो दो ऐ दूर चले जाने वाले। और आखिरी शेर है और इसको मक्ता कहते हैं हम, तो मक्ते में जो शायर का नाम भी होता है उसमें, तो मक्ता मुलाहिजा फरमाइए कि दिल का शाही परवाज करेगा यकदम, परवाज माने उड़ना, दिल का शाही परवाज करेगा यकदम, उम्मीद दस्तक पे बैठे हैं तेरे चाहने वाले। क्या बात है, दिल का शाही परवाज करेगा यकदम, उम्मीद दस्तक पे बैठे हैं तेरे चाहने वाले, और दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले, तुमने देखे हैं कभी साथ निभाने वाले। बहुत खूब शायना जी, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। और प्रिया आसवानी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं यहीं वैंकूवर से, प्रिया भी नियम अनुसार हमारे साथ हमेशा जुड़ जाती हैं। तो शायना जी से अपनी बातचीत को हम और आगे बढ़ाते हैं, और मैं अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा शायना जी की, कि मैंने जिक्र किया शुरू में भी, और जाहिर सी बात है कि 40 साल का आपका, 4 दशकों का ये सफर जो मीडिया के साथ रहा, आपने मीडिया को इवॉल्व होते हुए देखा है। जी हाँ। Because you have traveled all around the world, आप इस कंट्रीज में गई हैं, हार्वर्ड में गई हैं, ऑक्सफोर्ड में गई हैं, और वो नाम सारे मेरे पास लिखे हुए जहां यहाँ पर आप गई हैं, तो यू हैव लिटरली सीन ग्लोबल मीडिया का फेस किस तरह से चेंज हुआ है, किस तरह से इवॉल्व हुआ है। जी हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है आज की तारीख में मीडिया जो है सोशल थॉट प्रोसेस को अराउंड द ग्लोब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है एज नेवर बिफोर। हमेशा से मीडिया थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया ही करता था, बट आज के जमाने में जो मीडिया की ताकत है, आपने थोड़ा जिक्र शुरू में किया भी, वो बहुत फॉर्मस ताकत है। तो आपको क्या लगता है कि अराउंड द वर्ल्ड, मैं क्योंकि आपका एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है तो मैं सिर्फ भारतवर्ष या ऑल इंडिया रेडियो या मैं उसको लिमिट नहीं करूंगा, ग्लोबली आपको क्या लगता है मीडिया की आज की तारीख में सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हरीश, मैं बात वहां से शुरू करूंगी जो आपने जहां खत्म की, कि आज मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैंने जब मीडिया में कदम रखा 40-45 साल पहले, तब से अब बहुत जिंदगी बदल गई, मीडिया बदल गया, जराए बदल गए। पहले सिर्फ रेडियो होता था, टेलीविजन होता था, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट और कितना फैल गया है सोशल मीडिया। तो जी तो मैं शुरू में ये कहना चाहूंगी कि जब हम कम्युनिकेटर हैं, इस वक्त आप भी कम्युनिकेटर हैं और कोई कमेंट्स लिखते हैं सोशल मीडिया पे, वो भी कम्युनिकेशन है। तो जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें 4 लफ्ज में कहना चाहूंगी जरूर, उनका ध्यान रखें। अनबैलेंस्ड रिपोर्टिंग ना करें, बी बैलेंस्ड, जो भी बात आपके सामने है जैसी आपको दिखती है अनबायस्ड उसको सामने रखिए, और उसके अलावा आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीज को ना ले जाएं, बिकॉज आउट ऑफ प्रोपोर्शन चीज को जब हम ले जाते हैं तो जाहिर है जो बैलेंस है वो इधर हो जाता है या उधर हो जाता है। और जो बात मैंने शुरू में कही कि हम जब कम्युनिकेटर्स हैं तो क्योंकि इतना पावरफुल चीज है हमारे पास, हम मासेस की जो थिंकिंग है उसको हम चैनलाइज कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तो उसको पॉजिटिव तरफ ही मोड़ें।
इसलिए तीसरा लफ्ज जो मैं कह रही हूँ वो है सेंसिटाइज। सेंसिटाइज ना करें चीज को, किसी भी चीज को, कोई हादसा हो जाता है या कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा किसी देश में कोई कदम ले लेता है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, उस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो उसको हम सिर्फ एक न्यूज की तरह ही सामने लाएं एज ए कम्युनिकेटर, जो करना है। जी हाँ, सेंसिटाइज, जैसे ही हम सेंसिटाइज करते हैं चीज को, मतलब उसको उसको इतना सेंसिटिव बना दें अगर, कि जैसे कहीं एक जो मीडिया में बहुत आजकल होने लगा है, मैं क्योंकि मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ तो मैं किसी देश विशेष की बात नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा होने लगा है किसी देश में 4 चैनल हैं अगर, और अगर जैसे कोई रोड एक्सीडेंट हो गया या समझिए ट्रेन हादसा हो गया, तो उसको लेके बिना तस्दीक करे, बिना उसको अच्छी तरह जांच पड़ताल करे, हर चैनल अपनी एक नई न्यूज ले आता है, और जो उनका टैनर और मैनर होता है, कम्युनिकेशन ऐसे है जैसे आप और हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन है, एक रेल हादसा और उसमें 50 मारे गए, सब घायल, सरकार कुछ नहीं कर रही है, इस तरह से अगर बोलने से जो एक आम आदमी है वो थोड़ा सा हाइपर हो जाता है, क्योंकि आप बात ही ऐसे कर रहे हैं, उसी बात को बताया जा सकता है और उसको चेक करके आउट ऑफ प्रोपोर्शन ना रख के, और इन चीजों को अगर हम ध्यान रखेंगे मीडिया में, तो मैं आपके सवाल पे पीछे की तरफ जा रही हूँ, तो जो आपने 40 साल की मेरी जर्नी की बात की और मैं अभी सीख ही रही हूँ, लेकिन जाहिर है मेरी आंखों ने वो जमाना भी देखा है कि अगर कहीं रायट्स हो गए, कम्युनल रायट्स हो गए या दो भिड़ंत हो गई किसी गुटों में, तो नाम नहीं लिया जाता था, ये नहीं कहा जाता था कि फला धर्म के अनुयायी ने फला धर्म के अनुयायी को मारा या कुछ ऐसे, कि एक लड़के ने ऐसा हुआ तो 10 लड़के आए और उन्होंने कुछ किया, इस तरह की रिपोर्टिंग हमने देखी है जब हमने शुरू में काम करना शुरू किया 70 के दशक में, 80 के दशक में भी, मेरे ख्याल से 85 के बाद और जब 90 के बाद जब मीडिया बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो गया, जब वाइब्रेंट बहुत हो जाता है, सो देर आर सो मेनी चैनल्स दैट ओपन एंड देन यू नो देर इज कॉम्पिटिशन टू प्रूव योर सेल्फ बेटर देन द अदर, सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद वेरियस मीडिया चैनल्स, दैट विदाउट चेकिंग द फैक्ट्स प्रॉपरली, without putting things in right perspective, the news is just given out and every news is like breaking news. Not every second news is breaking news. So that's my, yeah. So that's my request to media people, to communicators, whatever media, whatever mass media they are communicating from, please exercise restraint, which I have seen a lot in the Western world. Things are not blown out of proportion. Things are, again, I don't want to name any broadcasting organizations, but since you have said that I've had small stints with various broadcasting organizations other than All India Radio, so I've seen that things are not, this, and things in certain organizations, things have to be verified. And it is to be encapsulated that this is a verified news and then only the news goes out. So that's my request. आपसे मैं निवेदन करूंगा, ये चारों जो बातें अभी आपने बोली, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी के आपने चार जो पहलू बताए, एक बार इनको, इन चारों को एक बार रिपीट कर दीजिए। चार लफ्ज हैं, बैलेंस्ड, अनबायस्ड, डोंट ब्लो आउट ऑफ प्रोपोर्शन एंड डू नॉट ओवर सेंसिटाइज थिंग्स, दीज आर द फोर वर्ड्स, बैलेंस्ड, अनबायस्ड, प्रोपोर्शनेट, unbiased, don't oversensitize, and of course don't blow it out of proportion. अगर 10 लोग घायल हुए, बहुत आराम से कह दीजिए कि ऐसा बताया जाता है कि 10 लोग घायल हो गए, उसको ब्रेकिंग न्यूज बनाने की जरूरत, उसकी हर न्यूज ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती, उसकी अपनी ब्रेकिंग न्यूज लव्स की जो वो गरिमा है वो कम हो जाती, जी हर दूसरी न्यूज को अगर आप ब्रेकिंग न्यूज ही कहते रहेंगे तो कम हो जाती, मेरे ख्याल से ऐसा मेरा मानना है। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको देता हूँ, एक हवाई जहाज उड़ के गया मेरे यहाँ से। अरे वाह। तो मैं तुरंत कुछ ये कमेंट्स पढ़ देता हूँ, ये हमारे देखने वाले जो हैं और सुनने वाले जो हैं ये कुछ कमेंट्स लिख रहे हैं। अनीता बाली दिल्ली से कहती हैं, मैम यू आर माय ऑल टाइम फेवरेट, नाइस टू लिसन टू यू। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच अनीता बाली, थैंक्स अ लॉट।
मुंबई से उमेश आया भी हमें देख रहे हैं, सुशील टहलियानी भी हमें देख रही हैं, मीना जे हमारी बहुत अच्छी प्रेजेंटर हैं आज, वो भी हमें देख रही हैं, और अनिल कुमार भी हमें दिल्ली से देख रहे हैं, और उदय सिंह भी हमें देख रहे हैं, और सुरेश कहना चाहते हैं मुंबई से मीडिया के बारे में कि आजकल की ज्यादातर मीडिया के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि पहले समाचार बनते थे फिर अखबार बिकता था, जी आजकल पहले अखबार बिकता है फिर समाचार बनते हैं। बिल्कुल। और उसमें जो समाचार, मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी, जो उसमें जो समाचार है वो जो समाचार हाउस का मालिक है उसके हिसाब से छापा जाता है, ना कि समाचार जो है बहुत वो छापा जाए। बहुत सही फरमाया आपने, बहुत सही फरमाया आपने, तो इस मुद्दे की तरफ भी हम चलेंगे, लेकिन ये सीरियस टॉक हमने कर लिया, अब फिर से मेरी गुजारिश है कि आप हमें कुछ सुनाएं। जी मैं बिल्कुल आपका हुक्म बजा लाऊंगी। आपने किताबों की बात की तो वो एक मेरी पोएट्री कलेक्शन है, मेरा पहला पोएट्री कलेक्शन था बल्कि माय बुके, जो वो ये किताब है जिसका आपने हाँ, जिक्र थोड़ा किया। आगे करके हमारे दर्शकों को थोड़ा आगे करके दिखाइए प्लीज, वो देखना चाहेंगे, और ये भी बताइए, जी हाँ माय बुक है, और ये भी बताइए ये पुस्तक कहाँ पर उपलब्ध है और किस तरह से ये हासिल कर सकते हैं। ये पुस्तक जो है 2004 में छपी थी जी और ये 4 से अब 15 साल हो गए हैं, तो बहुत सी जगहों पे उपलब्ध है। लेकिन अगर आप मेरा बाद में ईमेल आईडी शेयर कर लेंगे तो मुझे जी ईमेल बिल्कुल भेजा जा सकता है, क्योंकि जो पब्लिशर है जाहिर है 15 साल हो गए तो उनके गोदामों बिल्कुल में समझनी से ये किताब निकालनी पड़ेगी। किताब अवेलेबल पड़ेगी, है। आप खुद ही, हाँ आप हाँ खुद ही तो ये जानकारी बाद में हमारे सुनने वालों से शेयर कीजिए, तो जी हमें हाँ कुछ सुनाइए। जी, मैं इसी में से सुनाती हूँ। हम जिंदगी की बात कर रहे थे तो मेरी जी एक काफी शुरू की पोएम है, एंड आई कॉल इट जी ट्रांजिशन, इट्स ठीक है, पब्लिश्ड तो इन शायद दिस। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको रुकने को कहूंगा, बहुत से हमारे साथ नए लिसनर्स जो जुड़ गए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, मेलेडी मोजियर भी हमारे साथ जुड़ गई और कहती है यू आर अ ग्रेट होस्ट, सो मेलेडी स्टे देयर एंड लिसन टू इट। तो आज हम रूबरू हैं, टुडे वी आर फेस टू फेस विद प्रोफेसर शाहिना खान, शी इज प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, शी हैज 4 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन मीडिया, एंड तो आज हम उनसे रूबरू हैं, तो शाहिना जी अब प्लीज आप अपने माय बुके से हमें कुछ सुनाएं। जरूर सुनाऊंगी। वेलकम मेलेडी एंड ऑल अदर लिसनर्स हु आर, आई एम सो हम्बल्ड दैट यू आर लिसनिंग टू मी। सो दिस इज अ पोएम फ्रॉम वन फ्रॉम दिस कलेक्शन माय बुके, एंड आई कॉल इट ट्रांजिशन। वी वर टॉकिंग अबाउट लाइफ हरीश अ लिटिल व्हाइल राइट अगो, सो आई थिंक जी आई वांट टू रीड दिस। दिस इज वन ऑफ माय अर्लियर पोएम्स एंड जी इट गोज लाइक दिस, ट्रांजिशन। यस, वॉचिंग फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, A human being has a long path to pave. Yes, watch him from cradle to grave. A human being has a long path to pave. Innocence, and that is all what a child knows to his cradle as he crawls. Wow, amazing. Thank you. Innocence, and that is all what a child knows to his cradle as he crawls. He talks to none, he talks of none. Right, He he talks talks to to none, he none, he talks. talks of none. Amazing. By and by, he watches and catches the practiced habits. Right. By and by, he watches and Right. catches the practiced habits, the innocence he pollutes. The innocence he pollutes, an amalgam of habits he produces. Right. By and by, he watches and catches the practiced habits, the Practiced innocence. habits. Yes, the innocence he pollutes, an amalgam of Right. habits he produces. He does this to show, he does that to impress. Right. He does this to show, he does that to impress. And what sticks Impress. to him is distress. And what Right. sticks to him is distress. And then the turning point, by the time he nears his grave, Right. he talks to all, he talks of all. He talks to all, he Talks talks of all. all. In the Right. beginning, he is not talking to anybody and not of But anybody. he's talking By of, the yeah. time he nears his grave, he talks to Right. all, he talks of all. Innocence Right. is bartered with hypocrisy. Right. Innocence is bartered with Is hypocrisy. He hypocrisy. learns the art of diplomacy.
Amazing. Thank you. Innocence Yeah. is bartered with hypocrisy. He learns the art of diplomacy. With Right. hook or crook, he manages to secure. With hook Right. or crook, he manages to secure a position that seems most pure. With Right. hook or crook, he manages to secure a position that seems most pure. And now the turning point again. Right. With the moment the soul is fled, the false glory is shed. Right. The moment the soul is fled, the false glory is shed. A piece of 6 foot land is all that by him stand. The moment Right. the soul is fled, the false glory is shed. A Right. piece of 6 foot land is all that Yes. by him stand. Right. So nice. So true. पूरी जिंदगी का आपने क्रेडल टू क्रॉस की कहानी पूरी आपने सुना दी, और किस तरह से एक बच्चा होता है और कैसे उसका माइंड पोल्यूट होता है, और बड़ी वो प्रैक्टिस हैबिट्स जो आपने वर्ड्स यूज किए हैं, आई मीन दे आर अमेजिंग. थैंक यू सो मच. दैट शोज योर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लोजली, यू नो, सीइंग लाइफ सो क्लोजली. तो शाइना जी, यहाँ पर मैं कौनिका नागपाल का भी स्वागत करना चाहूंगा. हमारे साथ जुड़ गई हैं अरुण ज्योत सिंह लगेरी, हमारे बहुत अच्छे आरजे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं. वो सभी आपको देख रहे हैं. बेहद शुक्रिया सबका कि मुझ नाज़कीज़ को आप लोग देख रहे हैं और जुड़ रहे हैं हमारे साथ. और एक बार फिर हरीश, आपका और ड्रीम्स ब्रॉडकास्टिंग का बहुत शुक्रिया. थैंक यू. बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने हमें हमें समय दिया, और अभी आपका समय मैं और भी लेने वाला हूँ. इतनी जल्दी हम नहीं आपको जाने देंगे जी. क्योंकि फिर पता नहीं कब आपसे इस तरह से मुलाकात हो और रूबरू हो.